दस महीने माता दे घर बंद रहे हैं, उठे तुही तुही करके दिन कटे हैं। और सब जीवा ने इकरार करया है, हे भगवान यदि इथो तू बाहर निकास दे तो असी दसवां हिस्सा अपनी कमाई विचो दान करांगे और दसवां हिस्सा अपना आयु दा जप तप विखे लगावांगे। ये सारे मनुष्य मात्र इकरार करके आए हैं, अपने अपने हिसाब किताब नू आप ही चिक कर सकते हैं, जान बुझ के भुलावा दिंदे हैं, भुल जाने हैं। पर जे खोज करके देखिए ता सारा हिसाब किताब सामने आ जाता है। इस पर एक दृष्टांत है, ए जीव हिसाब किताब के अंदर किस तरह आ जाता है और किने किने पुताना पैंदा है। जरा गौर ना समझ लेना, इसमें बिचे गृहस्थियों वास्ते कह देना है और बिचे साधुओं वास्ते कहना है कि कौन कौन किस किस तरीके ना अपना हिसाब भुगताने और छुट्टने का आता कोई बिरला बिरला ही करता। महाराज गुरु नानक साहब ने तो कोटों में कोई एक किया और महाराज जी साहब ने अरबों में कोई एक किया, जिन आगे अपना हिसाब भुगतान करके इस जन्म मरण से छुटकारा पा गए ने और पा सकते ने। अब एक दफा एक जिमीदार अपने परिवार सहित यात्रा करन चलिया गया। उस वक्त नगद रुपया हुंदा सी, चलद्या चलद्या यात्रा करदा करदा बिंद्रावन में पहुंच गया। आ बिंद्रावन में सब संगतां तों पुछया, मंदरां दे दर्शन करे और पुछया गया कोई तपस्वी इत्थे रहिंदा, मैं उहदे दर्शन कर लवां कि भुल भुलेखे चला ना जावां। किसे भगत ने कहा, हां जी फलाने बण में अच्छे तपस्वी रहिंदे हन। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਲੋਕ ਸਤਸੰਗ ਮੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥਾ ਔਰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਜਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਤਪੱਸੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਛੱਪੜੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ। ਉਸ ਜਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ, ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਜਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਨਗਦ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ 838 ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਥਵਾ ਕੋਈ ਠੱਗ ਠੱਗ ਸਾਤੇ ਠੱਗ ਲਵੇਗਾ। ਬਨਾਰਸ ਮੇ ਬੜੇ ਠੱਗ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਦੇ, ਜਾਂ ਬਟੂਆ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਥਵਾ ਬੱਸ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਉਸਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਪਤੀ ਦੇਵ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਆਪਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਪਾਸ ਛੱਡ ਚਲੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਮੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤਪੱਸੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਜਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਅਰਜ ਕਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਹੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਖਵਾ ਲਓ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਦੇਵੀ ਆ ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਮੀਦਾਰ ਦੇ। ਉਸ ਦੇਵੀ ਨੇ ਉਹ ਰੁਪਇਆ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਗਿਣ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਘਰ ਨੂੰ। ਅਬ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤਪੱਸੀ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ 85 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮੀਦਾਰ ਰੁਪਇਆ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆੜਤੀ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਰਵਿਆ ਮੰਗਵਾ ਲਓ ਔਰ ਮਥੁਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆੜਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਦ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਮਿਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
वो ऋषि लाके मथुरा में जमा कराया, आके दसिया महाराज जी रुपया में जमा कराया फलाने आरती दे। जिस वक्त भी ओदा कोई परिवारी जीव आऊंगा तो उन्होंने मिल जाऊंगा, असि उन्होंने चिट्ठी लिख देवे। आप बेफिक्र हो गए महात्मा और तपस्वी जी का शरीर छुट गया। आस्ता आस्ता वो ऋषि भी गुजर गया, वो विद्यार्थी भी गुजर गए, वो कन्या भी गुजर गई, वो सेठ सेठानी भी गुजर गए, वो जिमीदार भी यात्रा कर गया, सने परिवार गुजर गया। और सज्जनों ये लैण देण के संसार रहिंदे ने अपने कट्ठे हुए हैं, ये जो जो परिवार ने जन्म लेने आगे सब लैण देण ऋण संबंधी जुड़े हैं। अब वो जिमीदार जो था वो तो ब्राह्मण ब्राह्मण ही बने और वो सेठ सेठानी राजा रानी बने और वो कन्या जो थी वो सेठ सेठानी भी कन्या बनी जो राजा रानी बने थे। और वो जो तपस्वी था वो जो जिमीदार मरिया था उन्होंने घर पैदा होया ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर। उन्होंने ब्राह्मण ने हिसाब करके दसिया, हे ब्राह्मणी इस लड़के ने साधा रुपया देना है, जिस वक्त रुपया दे देगा उसे वेले मृत्यु हो जाएगी। तो ब्राह्मणी कहती पति देव साढ़े तो पहले ही धन बहुत है, असि ओनू कान क्यों लगाएंगे, एनू विद्या पढ़ाओ और भजन करवाओ और काम पर लगा देंगे तो पैसे लियाऊंगा नहीं, कितों लियाएगा। अब इसी तरीके ओनू पढ़ाने लग पे, शास्त्री बन गया। देव ने तो जो सठाणी और सेठ राजा राणी बने थे उसनू क्या आदत थी, देश देश दे ब्राह्मण बुला लेने, जैसे महाराज पटियाला मंगा करते सन, और शास्त्र अर्थ कराने। वो जो ऋषि था वो किसे दूसरे टापू में ब्राह्मण बन गया, वो 85 विद्यार्थी उस सेठ सठाणी में राजेंद्र ब्राह्मण बन गए। और बारह ब्राह्मण मंगाया गया ऋषि, उसने सारे शहर के ब्राह्मण जित ले। राजा बोलिया बड़ी हानि हुई, कोई होर भी शहर च साडे इलाके में कोई ब्राह्मण है? एक ने कहा महाराज एक है तो सही ब्राह्मण, रणजित नाम उसका नाम है, फलानी जगह रहिंदा है। उत्थे पुरस गई बोलिया कहां गए ब्राह्मण? वो ब्राह्मणी कहती महाराज बाहर गए हुए ने। अब फिर मुड़े आए फिर भेजी पुरस, वो ब्राह्मणी कहती क्या कहा मैं राजे नूं? तो इतने वो लड़का जो था वो ऊपर भजन करता था चुबारे में बैठा, वो आया माता जी क्या कह रहे पुरुष आंदी है, हे पुत्र तेरा पिता इतने है नहीं, राजे ने बुलाया तेरे बाप नू किस वास्ते, शास्त्र अर्थ करने के लिए। वो लड़का कहना पुरुष आया नू कि पिता जी तो हुण स्याणे हो गए, कोई ना कोई पदार्थ भुले हुए, मैं हुण पढ़ के आया, सारे वेद मेरे कंठ सुत है, मैं चलता हां। उन्हें क्या चलो तुसी चलो। वो लड़का आ गया राज दरबार के अंदर आया, राजे ने बड़ी खुशी हुई कि वह नवी उम्र का लड़का है, बड़ा विद्वान है, तेजस्वी है और बड़ा तेजोवल है। सिंहासन से बढ़ाया, उस ऋषि ने ब्राह्मण ने कहा कि तू हम सावधान हो जा भाई। राजा बोले हे लड़के तेनू मैं इसलिए बुलाया है शास्त्र अर्थ करने के लिए। लड़का बोले हां राजन मैं भी इसीलिए आया हूं, लियाओ कौन विद्वान है थोड़े राजेंद्र आया। जदों ऋषि बुलाया उस ब्राह्मण का तो उस लड़के का सम्मान होया, वो नया पढ़ के आया था पद पदार्थ सारे आसन, तब वो लड़का जित गया, जयकार का डंका बढ़ गया। राजा बड़ा दयाल होया, कहन लग्या बड़ी खुशी की बात है, आज साड़ी इस लड़के ने बड़ी इज्जत रखी है। कहने लगा लिया दो बोरियां मोहरां दियां पीए। जदों इनाम देने वास्ते मंगाया धन तो लड़के ने एक बोरी तो हारे ब्राह्मण देती, एक बोरी शहर दे ब्राह्मण बन दी, आप कौटी भी ने रखी। राजा बोलिया बड़ा आश्चर्य हो गया भाई, मैं सारी उम्र जिन्ना दान कदे नहीं करिया और
हजारों लखों ब्राह्मण में ते मंग के दान ले जाने, एक ऐसा अनोखा ब्राह्मण लड़का आ गया जिन्हों के लोह लेनी है। राजन बोलिया, हे लड़के आपने कुछ भी नहीं रखा। बोला, हे राजन हमें जरूरत नहीं है, सानू पैसे की कोई लोड़ नहीं है, तेरे बुलाया सी आ गए इसलिए आज असी जा रहे हैं। राजा पैरी टह पिया, महाराज कुछ रोटी पानी खाओ। तो ब्राह्मण बोलिया, लड़का के राजा का अन्न अशुद्ध होंदा है, असी नहीं खा करते। राजा होर भी हैरान हो गया, देखो कितना निष्कामी लड़का है, कितना अच्छा सुंदर, कितना बड़ा विद्वान और कितना धीर्यवान और कितना दाता। अब राजा हैरान हो गया, लड़का घर आ गया। आ गया राजा रात को, अपनी रानी ने सलाह करी, हे रानी पहले यह रिवाज था ऋषियों मुनियों राजे अपनी कन्या दे दिया करते थे ताकि अगे उन्होंने औलाद परमात्मा होंगी सी। उसने राणी को समझाया, हे राणी ऐसा साडे मुल्क अंदर का किसी देश विच भी लड़का प्राप्त नहीं होगा। जो हमारी कन्या नौजवान हो रही है एदा शगन उस लड़के को कर दिए तो बहुत बेहतर है। ब्रह्मचारी लड़का है और सारे देश में विद्वान निकलिया और त्यागी है, उदारता वाला पुरुष है। उसे वेले प्रावो राजे ने राणी ने सलाह करके सवेर नूं सगन का समान भेज दिता। आ ब्राह्मणी बड़ी खुशी हुई, उस समान नूं लै लैके अंदर धरी जांदी है, बहुत धन संपत्ति चली गई। अब माइया नूं पुत्रां दे मंगण दा बड़ा शौक हुंदा, बड़ी चेष्टा हुंदी कल मेरा पुत्र मंगया जाए, ब्याह जाए। अब वो विचार भुल गई, जो ब्राह्मण ने जन्म पुत्रा बनाया था इन्हें साडा पैसा देना, उसने भुल गई। ब्राह्मणी माल संभाल लग पई, इतना ब्राह्मण भी बाहर तो आया। ओ बोलिया, पड़ताणी इना समान कितों आ गया। बोली, पति देव भगवान की बड़ी अपार कृपा, साडा लड़का कल शास्त्र अर्थ में जित के आया सी, राजे ने बहुत इनाम दिता था पर उत्थे दान करे आया, नहीं घर कुछ लिया। अज राजे ने अपनी कन्या का सगन भेजा, यह सगन भी समान आ रहा। बोलिया, लड़का कित्थे है? ब्राह्मण जाग गया कि भाणा बरत गया, लड़का उपर समाधि लगा के बैठा है, जाओ देख के आओ। जब पंडताणी गई तो सचमुच ही समाधि करी हुई है, सच्ची समाधि कर ली, शरीर में कुछ नहीं है, पर हुणी उड़ गए। आई रोंदी, ब्राह्मण ने कहा, अब क्यों रो रही भाई, अब तेरा रोना बेकार है, हमारा इतना ही ताने से देना था। अब विचार करो पिछले जन्मों का हिसाब, एक त्यागी महात्मा जो कि पैसे नु हाथ नहीं लगाते थे, उन्होंने इतना कहने नाल उस जिमीदार का धन किसे लड़की नु फड़ाया, उसे ही लड़की का सगन सुनवाया था। वास्तव में भाइयों, ये जहां जहां भी संबंध होता गया जीव का, उसका देना लेना ही निबड़ता है, अपने देने लेने के मुताबिक ही जन्म होता है। इसलिए ऋण संबंध जुड़े हैं, ये अपना अपना कर्जा चुकाने के लिए सब संबंधी जुड़े हुए ने। आपस में हमारा तुम्हारा सब यही नाता है लेन देन का ही। जब ऐसे ऐसे त्यागियों नूं महापुरुषों नूं हालांकि हाथ नहीं पैसे नूं लाया बरत्या नहीं, उन्होंने भी जन्म हो गया इतना कहना, ते होर हमारे लोगों का क्या हिसाब किताब।